चरोदा जोन 1 रेलवे कॉलोनी स्थित संविधान चौक में लगे संविधान बोर्ड पर मंगलवार की दरमियानी रात असामाजिक तत्वों द्वारा बोर्ड पर कालिख पोतकर अपशब्द को लिखकर छोड़ दिया गया। इसके बाद बौद्ध समाज में काफी रोष व्याप्त है। चरोदा रेलवे कॉलोनी स्थित सांस्कृतिक भवन के समीप भारतीय संविधान की प्रस्तावना बोर्ड पर कुछ असामाजिक तत्वों ने न केवल कालिख पोत दी है बल्कि उसमें अपशब्द भी लिख रखा है। इस घटना से अंबेडकर वासियों में जबरदस्त न केवल आक्रोश है बल्कि इस घटना को बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान बताते हुए घटना की घोर निंदा की है। इस बीच अंबेडकर वादियों ने ऐसे घृणित कार्य करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग करते हुए थाने पहुंचकर जीआरपी थाना प्रभारी आरके बोझा को ज्ञापन सौंपा, साथ ही सीएम हाउस पहुंचकर भी ज्ञापन सौंपकर दोषी को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। कल जैसा कि बाबा साहब का पुण्यतिथि था, महापरिनिर्वाण दिवस होता है, तो उसको कल हम लोग ने समाज के द्वारा मनाया गया और कल शांतिपूर्वक कैंडल मार्च भी किया गया था। और चूंकि कुछ असामाजिक तत्व आज मतलब रात के और उन लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसा हरकत किए हैं कि जिसके पूरा संविधान जिसमें लिखा हुआ है, संविधान के ऊपर उन्होंने MC लिख दिया, काला पेंट से पोत दिया है और जिसको हम लोग संविधान चौक बनाया है, बायलेज को जो पढ़ के हम लोगों ने वो संविधान चौक को भी पूरा काला पेंट कर दिया गया और ये सब कोई असामाजिक तत्व ने किया है। और ये जिसने भी ऐसा हरकत किया है, हम शासन प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से और आज हम आए हैं हाउस आए हैं सीएम हाउस, हम उनसे भी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए और इन्हें देशद्रोही का सजा दिया जाए। इस जो संविधान की प्रस्तावना पर कालिख जो पोती गई है इसकी घोर निंदा करता हूँ और पूरा मेरा समाज आज यहाँ पर एकत्रित है और पूरा समाज ये मांग कर रहा है कि इस प्रकार की जो देशद्रोही गतिविधियाँ और असामाजिक गतिविधियाँ जो है, जो देश को कलंकित करती है, ऐसे असामाजिक तत्वों को जितने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको, ताकि दूसरे भी लोगों के ऊपर में एक सबक स्थापित हो कि इस प्रकार के देशद्रोह के कार्य को हमें नहीं करना चाहिए। इस कार्य की घोर निंदा करते हैं, घोर निंदा के साथ साथ व्यक्ति विशेष की नहीं, एक ऐसे संगठन का ये कार्य है, ऐसी विचारधारा है जो देश विरोधी, देशद्रोही कार्रवाई करती है, इनके खिलाफ हम उनकी मंशा ही ये है कि हम उग्र आंदोलन करें, रेल रोकें या तोड़फोड़ करें। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने कहा कि चूंकि वह क्षेत्र रेलवे का है इसलिए मामला जीआरपी थाने में ही दर्ज होगा, लेकिन एहतियात के तौर पर हम बल भेज रहे हैं। अंबेडकर को मानने वालों व संविधान पर आस्था रखने वाले लोग एकजुट होकर थाने पहुंच कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। इस बीच रेलवे के अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। जीआरपी क्षेत्र में जो चरोदा क्षेत्र है वहां का मामला है। आज सूचना मिली कि वहां पर एक सार्वजनिक जगह पर संविधान चौक है। संविधान चौक में संविधान की जो प्रस्तावना है वो वहाँ पर अंकित की गई थी शासन के द्वारा और उस पर किसी सामाजिक तत्वों के द्वारा अनावश्यक राइटिंग की गई है। बहरहाल समाज के द्वारा इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की गई है और दोषी को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।